हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये गेट रेडी विथ मी। ये बहुत ही न्यूट्रल काइंड ऑफ मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है गेट रेडी इसलिए क्योंकि मैं आई नो बहुत दिन से मिसिंग थी। मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, मतलब आ रही हूँ जा रही हूँ क्या ही करूँ, कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और ये लुक भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताया मैंने, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑल्सो जितने भी चीज़ें मैंने यूज़ किए हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैं इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं कभी गायब होती हूँ तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पर होगा, तो प्लीज़। एंड मैं कैमरा से शूट कर रही हूँ जो कि मैंने वीडियो में बताया है, फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी कैसा आता है। तो जितने मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी है तो प्लीज़ रियली सॉरी फॉर दैट। या ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं सीरियसली कोशिश कर रही हूँ मैं बहुत रेगुलर हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एंड या तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। इससे पहले कि मैं किसी जोन में चली जाऊँ, मैं सबसे पहले आईब्रोज फिल करने वाली हूँ। इसके मैं लेने वाली हूँ हिल हीरोडा का आईब्रो पेंसिल एंड मैं इसे अपने आईब्रोज फिल करूँगी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि मैं कहाँ थी एंड एवरीथिंग। तो मेरे भाई की शादी होने वाली है एंड मोस्ट प्रॉब्ली जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ हो सकता है शादी हो भी गई हो। एंड आई डोंट नो, जस्ट मैं घर में बहुत सारा काम चल रहा है, रेनोवेशन एंड एवरीथिंग, तो उसी चीज़ में सब बिजी है। एंड ऑब्वियसली रेनोवेशन के टाइम में शूट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ था, तो ऑब्वियसली आई नीड शांति कि वहाँ शूट कर सकूँ। बेस के लिए मैं कप्शन लैशेज़ का कवर पॉट यूज़ करूँगी एंड उससे अपने आईलेट या एक्चुअली शेड है वाइट। मैं पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा वाइट प्रेफर कर रही हूँ एंड आज का मेकअप बहुत ही न्यूट्रल टाइप का मेकअप होने वाला है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, बहुत बेसिक सा न्यूट्रल सा एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक होगा। सबसे पहले मैं ये लैक्यू ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लेने वाली हूँ एंड इसे क्रीज से थोड़ा नीचे ला के ब्लेंड करूँगी। एंड ये गेट रेडी विथ मी होने वाला था, ये ट्यूटोरियल क्यों बन गया पता नहीं। ओके, तो मैं कहाँ थी, मैं घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है था, अभी ख़त्म हो गया तभी मैं शूट कर रही हूँ। एंड मेरे भाई का शादी होने वाला है तो आई वॉज रियली बिजी एंड मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं थोड़ा रेगुलर रहूँ। कोशिश अभी भी कोशिश ही है क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, मतलब भाई की शादी के प्रिपरेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, तो वो सब चीज़ है तो क्या ही करूँ मैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। मेकअप मैंने बहुत सारा शॉप किया है, मेकअप के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको मैं आउटफिट वगैरह भी देखना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी, आईलाइनर के मैं कप्स एंड लैशेस का लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी इन द शेड पिच। मैंने एक्चुअली हॉल के अलावा मैं बहुत सारे आइडियाज़ भी मेरे पास हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह भी सोच के रखा है, जो मैंने मंगाए हैं चीज़ें बहुत न्यू है, तो मैं सोचा उसका रिव्यूज़ करूँगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं अपने रेगुलर, आई थिंक मैंने वेडनेसडे और सैटरडे का डेट रखा था, मुझे वो भी याद नहीं आया। मैं सेकेंड आई अपना करके लैशेज मस्करा जो भी मैं लगाऊंगी, आई गेस मैं मस्करा लगाऊंगी सिर्फ लैशेज क्योंकि उतना हैवी लुक मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, तो लाके वापस आती हूँ। तो अब नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी प्राइमर एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली मैं डॉक्टर बेलमो का सीसा पता नहीं क्या बोलते CICA रिकवरी क्रीम। एक्चुअली बहुत ही सिलिकॉन बेस्ड है ये, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मॉइस्चराइजर का यूज़ करती थी बट आई डिडंट काइंड ऑफ लाइक इट, मेरा स्किन पता नहीं उस वजह से किस वजह से बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा, तो स्टॉप यूजिंग दिस क्योंकि मुझे इसको लेके पहले से कुछ डोंट नो अच्छी फीलिंग नहीं थी, तो मैं इसे पैट करूँगी। और कमिंग बैक एंड ऑल्सो क्योंकि लाइटिंग एंड कैमरा मतलब इक्विपमेंट एवरीथिंग मेरे लिए पहले न्यू है, तो प्लीज़ इग्नोर, मतलब मैं अभी भी यूज टू हो रही हूँ, आज पहला दिन है इसे शूट करने का, तो प्लीज़ इग्नोर दैट।
एंड आई हैव रियली न्यू आइडियाज़, लाइक बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारा मेकअप मंगाया है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू करूँ. लाइक ऐसा नहीं कि मैं कुछ का भी रिव्यू कर दूँगी, मतलब न्यू मेकअप एंड स्किन केयर वगैरह है, तो स्किन केयर में भी बहुत मैंने सोचा है रिव्यू करूँ उसको लेके. एंड मैंने सोचा तो पहले वीकली वाला करूँ, बट देखते हैं वीकली वाला अभी हो नहीं पाया, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है, भाई की शादी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बीबी क्रीम वगैरह ख़त्म हो गया है, तो मैं यू फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ. एंड इट्स गोइंग टू बी मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 120, मेरा एक्चुअली फिट मी में शेड 128 है, तो मैं इसमें 120 यूज़ करती हूँ, एक शेड लाइटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है. एंड कैमरा पे हो सकता है आपको थोड़ा वाइट दिख सकता है, पर ये ऑक्सीडाइज होगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम भाई की शादी, मैं जिम जा रही हूँ, आई एम लूजिंग वेट. तो अभी मेरा आई थिंक सेकेंड मंथ कम्प्लीट हो चुका है, थर्ड मंथ अभी चल रहा है, एंड थर्ड मंथ कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर भाई की शादी के लिए मैं थोड़ा गैप लूँगी एंड ऑल दैट. खैर, तो 2 मंथ हो चुके हैं मेरे जिम को ज्वाइन किए हुए, लाइक मैंने 5 kg लूज़ किया. आई नो 5 kg, फर्स्ट मंथ मेरे को थोड़ा जिम से एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो फर्स्ट मंथ आई थिंक 1 kg था, सेकेंड मंथ वॉज 4 kg. एंड बहुत डाइट मेंटेन करना पड़ता है यार, सो टायरिंग. तो या आपको मेरे फेस में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, लाइक आई गॉट लिटिल बिट ऑफ जॉ लाइन एंड ऑल. एंड लेंसेज एंड हेयर बैंड इंस्टा स्टोर से है, डिफरेंट इंस्टा स्टोर. लेंसेज आर फ्रॉम सॉफ्ट लेंसेज, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड इंस्टा स्टोर है ऑन ऑफलाइन इंस्टा ऑफलाइन ब्यूटी शॉप एंड ऑल दैट. तो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले यार, यहाँ बहुत मिस कर देते हो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके, वहाँ मैं रेगुलर अपडेट देते रहती हूँ, अगर नहीं भी आती हो, कब वीडियो अपलोड भी होता है तो वहाँ अपडेट हो जाता है. तो फॉलो कर ले यार, क्यों वेट करा रहे हो, और कितनी बार बोलूँ मैं. ये काइंड ऑफ फुल कवरेज काइंड ऑफ फाउंडेशन है, लाइक नॉट काइंड ऑफ फुल कवरेज, बट हाँ काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है एंड ऑक्सीडाइज करता है, एक शेड आपका लाइट आ जाता है. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन का ही इंस्टा एज रिवाइंड कंसीलर, एंड इस कंसीलर से मैं अपने अंडर आइज को कंसील करूँगी. सेकेंड मंथ में देखा ना 5 kg, अब लाइक ओह माय गॉड, मेहनत तो करनी पड़ती है यार, डाइट ही मैक्सिमम सब कुछ है. अगर डाइट आखली हर किसी का सबका अलग अलग होता है, तो मैं डाइट पे तो कुछ आपको बोलना नहीं चाहूँगी कि हाँ मेरा डाइट जानना या फिर मेरा डाइट फॉलो करो ऐसा कुछ. सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सब कुछ अलग होता है. हालांकि मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था टू अपलोड माई वर्कआउट सेशन, क्योंकि मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया. आई वॉज लाइक पहले मैं 20-25 सेकेंड्स प्लान कर सकी थी, देन आई रीच 35-45 एंड अब मेरा 1 minute 1 second का प्लान होल्ड रिकॉर्ड है. एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार फाइनली इट्स पेइंग ऑफ. पाउडर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट से, इसमें 2 powder आते हैं, ये येलो वाला यहाँ पे जो शेड दिख रहा है, ओहो उल्टा, ये येलो वाला जो पाउडर है यहाँ पे उससे करूँगी. ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं जब सोचती हूँ मैं इससे करूँगी मैं भूल जाती हूँ. बादाम खाने से कोई असर नहीं होता भाई, मैं डेली सुबह 5 बादाम खाती हूँ, कुछ नहीं होता. फिर मैं सेम पैलेट से उसका ब्राउन वाला शेड लूँगी एंड उससे कॉन्टोर करूँगी. ब्राइडल मेकअप किट में, मतलब कि अगर आपकी शादी हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि लाइक ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं कोशिश करूँगी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँ. एंड अब और चीज़ें अच्छी ये हो गई हैं कि अब जितना मैं आई मेकअप करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि कैमरा है तो बहुत ज़्यादा जूम हो सकता है, बहुत क्लियरली आपको दिखेगा. एंड अगर मैं पिक्चर इन पिक्चर करती हूँ तो हो सकता है उसमें डाल दूँ, या तो फिर मैं यहाँ तक पूरा जूम करके आपको मेकअप दिखाऊँ. लाइक मैं मेरा पल पल में डिसीजन चेंज होता है, लाइक नॉट एवरी टाइम, बट हाँ ये सबको लेके मेरा डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वो यूज़ करती हूँ मैं. तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको उनमें से कुछ भी जानना हो या फिर आप चाहते हो कि मैं उसके बाद वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो. आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक दैट वीडियो, क्योंकि लिटरली टाइम के बाद ना लाइक मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बट यू नो मैं व्यूअर्स की भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे एक मैसेज आ चुका है अबाउट माई रूटीन, अबाउट व्हाट टू से माई वर्कआउट रूटीन. तो मैं कोशिश करूँगी बनाने का. लाइक ऑल्सो द थिंग इज़, जहाँ मैं वर्कआउट करती हूँ वो मेरा रूम होता है जनरली,
एंड मैं रूम में लिटरली उतना जगह नहीं है कि मैं बहुत कैमरा सेट कर सकती, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मैं छत पे करूँ, बट छत में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लोग थोड़े यूज टू नहीं है, तो दैट्स द थिंग. अगल बगल लोग झांकना एंड देखना शुरू हो जाएंगे एंड नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल लाइक विद दैट. बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी जहाँ पे भी मुझे जगह मिलता है. एंड बीच में रिकॉर्ड होना बंद हो चुका था, मैंने पता नहीं बहुत सारे ब्लावर किया. सो यस गाइज, मुझे नहीं पता वीडियो कैसा शूट हुआ है, बट स्टिल मैं आउटडोर शूट करने वाली हूँ. लेट्स सी कैसा होता है, आई होप अच्छा आया हो. एंड मैंने बताया जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज है अभी कि हाँ, मतलब लिटरली मेरे पास आइडियाज है. बीच में क्या हुआ था, बहुत ब्लैंक चल रही थी, मतलब बहुत सारे आइडियाज थे बट मुझे ऐसा इंस्पिरेशन वाला फील है, जब मुझे नहीं आ रहा तो व्यूअर्स को कैसे आएगा, तो इसलिए मैंने उसे शूट नहीं किया. ऊपर से मैंने 3-4 वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया. लाइक मैंने ज्वेलरी हॉल शूट किया था बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने डिलीट कर दिया. अगर आपको चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम से ज्वेलरी हॉल करूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड और मैं भाई की शादी के सारे अपडेट्स के लिए कि मैं क्या पहनने वाली हूँ एंड मैं कैसे तैयार होने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा. हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पर होगा. और दूसरा हो सकता है, अगर आपको मैं उसमें से कोई मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ को रिक्रिएट करूँगी या फिर गेट रेडी विथ मी शूट करूँगी. मतलब शादी के टाइम पे नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, मेरे भाई की शादी है, मेरे घर में शादी है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती वो चीज़. सो या प्लीज़ मुझे बताइएगा. सो ऑल्सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पक्का अब चैनल को डेड नहीं होने दूँगी. मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो एंड बहुत टाइम चाहिए होता है, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ. प्लीज़ सपोर्ट एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन, bye.